Yes. नमस्ते सर। बैठिए। अच्छा, कहाँ से हैं देवीलाल जी आप? मैं सर श्री माधोपुर डिस्ट्रिक्ट सीकर का रहने वाला हूँ। अच्छा, यस। और स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह कहाँ से किया आपने? स्कूलिंग सर मेरी वहीं से हुई, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। और कॉलेज मैंने MNIT से सिविल इंजीनियरिंग किया है, BTech। अच्छा, कब किया? सर मैं 14 पास आउट हूँ, 2014 में कर लिया। यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद सर मैंने 15 से राजस्थान सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। अच्छा, और इस क्रम में सर ये मेरा तीसरा प्रयास है और तीसरा ही इंटरव्यू है सर। अच्छा, तीनों बार आप मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे हैं? यस सर। और वर्तमान समय में सर मैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज ए जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर काम कर रहा हूँ, बायोमेडिकल वेस्ट सेल में। बायोमेडिकल वेस्ट सेल में? बायोमेडिकल वेस्ट सेल में। यस। अच्छा, वो अलग अलग सेल्स बनी हुई हैं? यस, जैसे हजार्डस वेस्ट है सर, म्युनिसिपल वेस्ट है, टेक्सटाइल है, एक्सेट्रा। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है और अब आप एनवायरमेंटल सेल में काम कर रहे हैं। यस। तो कैसे अपने इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड को कैसे काम लेते हैं? ये तो बायो का बैकग्राउंड हो गया सारा। सर जो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे एक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी चलती थी और काफ़ी जो अभी प्रेजेंट समय में मैं कार्य कर रहा हूँ वो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान काफ़ी पढ़ा है सर। बायो तो, इंजीनियरिंग बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ा आपने? सर बायोमेडिकल वेस्ट एक सेल है वहाँ। और तो काम उसी में कर रहे हैं ना? यस सर। बट आने वाले समय में अगर मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहता हूँ तो डिफरेंट सेल में काम करने का मौका मिलेगा जो कि मैंने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा है सर। और एक हम तो अभी इस वाले के लिए पूछ रहे हैं आपसे, प्रिसाइजली फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट सेल जिसमें प्रेजेंटली आप कार्यरत हैं। यस सर। तो ये एक पार्ट है और इसके मैंने रूल्स वगैरह पढ़े हैं सर, और एक अप्लाइड पार्ट है तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या काम करते हैं? सर हम मेनली हॉस्पिटल्स से जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसका हम मॉनिटरिंग करते हैं कि उसका साइंटिफिक डिस्पोजल हो एज पर CPCB गाइडलाइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो और बीच में कहीं लीकेज ना हो और फिर साइंटिफिक डिस्पोजल हो ताकि इसका जो है पैंडेमिक वगैरह ना फैले अगर इन्फेक्शियस वेस्ट का फैलाव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड द डिस्पोजल, एलिबरेट देम? यस सर। सर एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 जो वेस्ट होता है उसको चार अलग अलग कलर कोडिंग में बांटा गया है, येलो, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। सीधा बायोमेडिकल वेस्ट पे आओ। यस सर। बायोमेडिकल वेस्ट को चार भागों में बांटा गया, तो येलो में सर जैसे हम एनाटोमिकल वेस्ट हो गया, इसके अतिरिक्त ब्लड बैग्स हो गए, इसके अलावा सॉइल्ड वेस्ट जो बॉडी फ्लूइड होता है हमारा वो आता है। रेड में जैसे कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, यूरिन बैग्स हो गए, कैथरेट्स हो गए, ट्यूब्स हो गए एक्सेट्रा। व्हाइट में हमारे जो शार्प वेस्ट होता है लाइक नीडल ऑफ सिरिंजेस एंड शार्प मेटल्स, ये सब आता है। और ब्लू में हमारे ग्लासवेयर एंड मेटलिक बॉडी इम्प्लांट्स। अच्छा, ये सर। और डिस्पोजल का? डिस्पोजल सर हमारे राजस्थान में ऑल ओवर 11 CTDF फैसिलिटी है, कॉमन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो उनका व्हीकल्स होते हैं तो वो हॉस्पिटल से वेस्ट को CTDF फैसिलिटी तक ले जाते हैं और फिर उनको डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स होते हैं लाइक इंसिनरेटर, ऑटोक्लेविंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा, ये पूरी डिस्पोज किया जाता है। क्या करते हैं ऑटोक्लेविंग में? ऑटोक्लेविंग में सर डिफरेंट प्रेशर और टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसके एनवायरमेंट कंसर्न्स को देखा जाता है सर कि ये कितना डैमेज एनवायरमेंट को करेगा, तब प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है कि अगर डैमेज हो रहा है तो उसके बदले में हम क्या मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं और के बाद में ही किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। क्लाइमेट चेंज
के बारे में डिफरेंट टाइप के में सम्मेलन होते रहते हैं। यस अभी लेटेस्ट कौन सा हुआ है? सर, अभी COP27 हुआ 2022 में इजिप्ट। अच्छा, उसके क्या रहे, लक्ष्य क्या थे? और सर उसके आउटकम्स मेनली टू आउटकम्स, एक तो LPLEDs, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी का मतलब सर हमें लाइट जैसे मूवमेंट दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में, कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और इस बार का पर्यावरण दिवस भी इसी थीम पर मनाया गया, हमें हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुरूप ढालना होगा। इसके तहत लॉन्ग टर्म एक क्वालिटेटिव मेजर है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता बायोस्फीयर रिजर्व सर, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सीटू एक टेक्निक है जिसमें ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें और नेशनल पार्क में डिफरेंस है यस क्या? सर, सर बायोस्फीयर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी होते हैं और ह्यूमन इंटरफियरेंस भी कुछ जोन में अलाउड होता है और नेशनल पार्क में टोटली प्रोहिबिटेड होता है ग्रेजिंग एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस। ओके, अभी जयपुर में नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, वो यस क्या चीज है? सर, बायोलॉजिकल पार्क एक्सीटू टेक्निक ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है एंड इसमें जो है हम नेचुरल हैबिटेट के अतिरिक्त जो वाइल्ड लाइफ को रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कंजर्व। राजस्थान में पांच ऐसे प्लेस कौन से जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है? सर भिवाड़ी, उदयपुर, जयपुर, हाँ, पोल्यूशन को रोकने के लिए पांच कोई अच्छे उपाय ऐसे जो टेक्नोलॉजी, जैसे आप जो इंजीनियरिंग के लिए बोल रहे हो, यस एनवायरमेंटल यस इंजीनियरिंग, जो ऐसा हो अफोर्डेबल हो और यस उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इजीली हो और यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो। टेक्निकल उपाय सर, यस सर, हम पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक जैसे ग्रेविटेशन चैम्बर्स होते हैं सर, पर ठीक है, ये बड़ी इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा वो होते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ठीक सर। है, हाँ बाकी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए हम सर देख सकते हैं कि जैसे रेगुलर अगर पार्टिकुलेट मैटर का पोल्यूट हो रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो जैसे वाटर स्प्रे कर सकते हैं सर। इसके अतिरिक्त सर वेट स्क्रबर्स होते हैं, वेट स्क्रबर्स मेनली गैसेस गैसियस पोल्यूशन को रोकने के लिए यूज होते हैं और रिलेटिवली लेस कॉस्ट होते हैं ग्रेविटेशनल चैम्बर से सर। ठीक है, हाँ इसके अतिरिक्त सर एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए आराम से, बिल्कुल सोच के बताइए आराम से, ये तो अच्छी बात है। प्रे टावर्स हैं सर, स्मोक गन है सर, गरीब बहुत बढ़िया, ये सर मैं इतनी रिपोर्ट। ठीक ठीक राहुल, आपने अच्छा रिकॉर्ड किया। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं यस तो बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए, रोजगार उत्पन्न किया जाए, आप क्या लगता है दो या तीन ऐसे उपाय कोई? सर, सबसे पहले जैसा कि नई शिक्षा नीति में भी बताया गया है सर कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है सर पार्ट बना रहे हैं क्लास 6 से ही, तो इस पर एम्फोसिस ज्यादा होना चाहिए सर। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि सर हम अपनी इकोनॉमी को लोकल लेवल पे इंडिपेंडेंट बनाएं, कुछ ऐसे लोकल जरूरतों के हिसाब से उद्योग या छोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं सर। ये सर, और स्किल डेवलपमेंट में तो फोकस कर ही रहे हैं सर, और करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे मदद कर सकती हैं? सर। बड़ी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हेल्प कर सकती हैं सर। इसके अतिरिक्त सर जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट स्कूल में जो है वो वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, ये प्रयास कर सकते हैं सर। बड़ी आप SDM बन गए, यस आप GPCB में काम कर रहे हो, पोल्यूशन यस की अच्छी जानकारी, इंजीनियरिंग की अच्छी जानकारी, यस तीन या चार ऐसे क्या बढ़िया इनोवेशन लोगे कि उस तस्वीर में ऐसे लगे कि आपका जो पीछे का पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा काम आया? यस सर,
सर मैं एक सिविल इंजीनियरिंग मैंने की है और कुछ प्रयास में अगर मैं उस पोस्ट पर पहुंचता हूं तो डेफिनेटली लूंगा, जैसे ग्रीन बिल्डिंग सर। गुड। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड ये मतलब ग्रीन बिल्डिंग में सर जो रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम यूज होगा। दूसरा सर मैं उपाय जो करना चाहूँगा वो वाटर इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा है वाटर कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन का रिजुवेनेशन हो। और तीसरा जो प्रयास होगा सर मेरा वो मैंने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में पढ़ा है, स्मार्ट मोबिलिटी, और हम ऐसे रूट डेवलप करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम हो, वो सॉरी ज़्यादा हो, और प्राइवेट का कम हो। ये जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी है राजस्थान में, सोलर है, विंड है, बहुत पोटेंशियल है। आपको लग रहा है कि उस पोटेंशियल का अच्छा यूज नहीं हो पा रहा, या फिर हम सही कर रहे हैं? अगर कम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सर इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के हिसाब से हमारा पोटेंशियल 142 गीगावाट है, बट उससे हम काफ़ी पीछे हैं सर। तो इस दिशा में सर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम नॉर्म्स इजी कर रहे हैं, और जो है वो इन्वेस्टमेंट आए इसके लिए कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं सर, और उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। एक बात ये होती है कि जेंटलमैन, हम हमेशा ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है, इतने इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान हमारे पास है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि हम ऐसी टेक्निक लाएंगे, सोलर पैनल ऐसा बनाएंगे जो कम कॉस्ट पे हो, हाईली इफेक्टिव हो? हमारा माइंड सेट ऐसा क्यों रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट लें? हमारा ऐसा क्यों नहीं रहता कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं? जैसे ये सब चीज़ें चाइना ने पिछले 30 सालों में की है। क्या आपको ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही लग रहा है? बिल्कुल सर सही है। और इस दिशा में सर पीपीपी मॉडल के थ्रू सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत सोलर पैनल्स जो है हमारे यही बनेंगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किल दी जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट के रूप में जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा यहाँ, तो पीपीपी मॉडल इवॉल्व हो रहा है सर। एक लास्ट क्वेश्चन, यस सर। दो ऐसे एग्जांपल बताओ जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हो, उन्होंने मतलब पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बता सकते हो आप? यस सर, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, सर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के अलावा मुझे याद आ रहे हैं, बट अभी हाँ, फिलहाल कोई बात नहीं, ओएल जेपर था। हाँ ओएल जेपर नाम सुना होगा आपका? यस सर, यस सर। मैं सर सॉरी, मैं किसी व्यक्ति का नाम सोचने में लग गया। ओएल जेपर, यस सर, बायो रेमिडिएशन टेक्निक है, और ओएल जेपर टेरी ने बनाया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड रिसर्च। कहाँ पे है हाँ ये? ये दिल्ली सर। दिल्ली है, कंफर्म? यस ठीक ठीक है, ठीक है, जा सकते हो, गुड, जाओ। थैंक यू।